और फ्यूल टैंक आपको येलो, ग्रे एंड व्हाइट कलर का कुछ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन के साथ ट्रैम्प स्पीड 400 कुछ इस तरीके की आपको आपको मिलने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको चार कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला की जो कि आपके सामने है, रेसिंग येलो मेटालिक व्हाइट, दूसरा आपको फैंटम ब्लैक प्यूटरी ग्रे, और तीसरा आपको पियर मेटालिक व्हाइट प्यूटरी ग्रे, और चौथा आपको रेसिंग रेड पियर मेटालिक व्हाइट। मतलब चार कलर ऑप्शन इस बाइक के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक, सो हे गाइस, दिस इज वॉरियर राइडर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अपनी रिसेंटली में लॉन्च हुई ट्रैम की स्पीड 400, जो कि अभी रिसेंटली में न्यू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है। ठीक है, इस बाइक के अंदर आपको चार कलर मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको बताई दिए हैं। ठीक है, साथ ही बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके रिव्यूज के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में। ये जो बाइक है अपनी स्ट्रीट बाइक के अंदर आती है 400 सीसी के अंदर, जो कि भाई इसका कॉम्पिटिशन कोई भी नहीं कर सकता अभी के टाइम पे। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर आपको वाइजर वगैरह, आपको ट्रांसमिट वाइजर वगैरह नहीं मिलता। इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर हेडलाइट मिलती है, जो कि आपको DRL लाइट के साथ विद हेडलाइट है, जो LED हेडलाइट आपको प्रीमियम लुक की कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है, जिसपे आपको ट्रैम की बैजिंग कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है। साथ ही बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि आपको LED इंडिकेटर मिल जाते हैं विद हजार्ड लाइट फीचर के साथ। साथ ही बात करते हैं सस्पेंशन है, नीचे की तरफ देख सकते हो आपको गोल्डन कलर के सस्पेंशन फ्रंट में, अब 43 mm के अपसाइड डाउन तरीके के बाइक के अंदर आपको मिलने वाले 40 mm व्हील ट्रैवल के साथ आप इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं, और विद रिफ्लेक्टर लाइट आपको मिल जाती है सेफ्टी के पर्पज पे। दोनों ही सस्पेंशन पे आपको फ्रंट में देखने को ये मिल जाएगी। साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट के फेंडर के बारे में, जो कि आपको ग्रेइश कलर का कुछ इस तरीके का प्लास्टिक फाइबर का आपको इस गाड़ी बाइक के अंदर अब आपको मिल जाता है। और बात करें इसकी फ्रंट की ब्रेक के बारे में, जो कि फाइबर की ही ब्रेकिंग इस बाइक के अंदर अब आपको मिलने वाली है। 300 mm की आपको डिस्क मिल जाती है, विद ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी इस बाइक के अंदर अब आपको मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट के अलॉय के बारे में, जो कि आपको 17 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय कुछ इस तरीके के आपको मिल जाते हैं। साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट के टायर के साइज के बारे में, जो कि आपको ट्यूबलेस मिलने वाले हैं, जिसका साइज आपको 110/70 R17 के आपको फ्रंट के टायर मिल जाते हैं रेडियल। ठीक है गाइस, काफी बढ़िया। और बात करें इसके इंजन के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ट्रैम की बैजिंग आपको इंजन के ऊपर कुछ इस तरीके के मिलने वाली है, और जो कि इसका इंजन है वो आपको 398.15 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन लिक्विड कूल इंजन इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 39.5 bhp पावर 8000 rpm पे। साथ ही बात करते हैं इसके मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, जो कि आपको 37 Nm मैक्सिमम टॉर्क 6500 rpm पे इस बाइक के अंदर अब आपको मिलने वाला है। बात करें इसके फुटरेस के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर जो फुटरेस है वो भी आपको फोल्डेबल फुटरेस रबड़ के कुछ इस तरीके के ट्रैम की बैजिंग के साथ आपको मिलने वाले हैं, और जो उसका गियर लीवर है वो आपको 6 गियर के साथ ये बाइक आती है, पहला डाउन है बाकी 5 अप है। और यहाँ पर पीछे की तरफ देख सकते हो साइड गार्ड आपको मेटल का मिलने वाला है, सेफ्टी के पर्पज पे इस पे दिया गया है। बात करें इसकी टेल लाइट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे की जो टेल लाइट है ऊपर की तरफ आपको ग्रैबर मिल जाती है ब्लैक कलर की मेटल की, और यहाँ पर आपको ट्रैम की बैजिंग मिल जाती है सीट की तरफ। और बात करें इसके टेल लाइट के बारे में, जो कि आपको LED टेल लाइट इस बाइक के अंदर अब आपको मिलने वाली कुछ इस तरीके की। ठीक है गाइस, और यहाँ पर जो टेल टैडी है वो भी आपको मैट ब्लैक कलर के मिलने वाली है। पीछे की तरफ भी आपको जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED इंडिकेटर विद हजार लाइट फीचर्स के साथ आपको इस बाइक के अंदर दिए गए हैं। इंडिकेटर के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है सेफ्टी के पर्पस पे, और टेल टाइट भी काफी मजबूत इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरीके का। साथ ही बात करते हैं इसकी पीछे की ब्रेक के बारे में, जो कि आपको रियर की जो ब्रेक है वो भी आपको बाइबर की मिल जाती है, जो कि 230 mm की आपको डिस्क के साथ विद ABS ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक के अंदर मिल जाता है। बात करें इसके पीछे के टायर के बारे में, जो कि आप देख सकते हो जिसका साइज आपको 150/60 R17 का आपको पीछे का टायर मिल जाता है। ठीक है, और साथ ही बात करें इसके एग्जॉस्ट के बारे में, जो कि आपको मैट ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपको एक तरीके का कवर मिल जाता है क्रोम कलर का, जो कि स्टील का आता है, जिससे पैर वगैरह राइडर और प्लेन राइडर के ना चले। ठीक है गाइस, और साथ ही देख सकते हो आप जो उसके फुटरेस है वो भी राइट साइड में आपको कुछ इस तरीके के बाइक के अंदर मिल जाते हैं, फोल्डेबल फुटरेस राइडर के भी और पिलियन राइडर के भी। बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, जो कि इसके जो रियर के सस्पेंशन है वो आपको गैस मोनोशॉक RCU रीलोड एडजस्टेबल के साथ आपको इस बाइक के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, जो अपनी राइड और हाइट के हिसाब से आप एडजस्टेबल भी कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर जो पीछे के जो मडगार्ड है वो इसके अंदर आपको ब्लैक मैट ब्लैक कलर का सस्पेंशन के साइड ही जो रियर का सस्पेंशन है उसकी साइड में आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का, जो कि अपने सस्पेंशन को भी राइड कीचड़ वगैरह से बचाता है। और जो राइट साइड में भी आप फुटरेस देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ब्लैक कलर के फुटरेस राइडर और प्लेन राइडर के फोल्डेबल फुटरेस इस बाइक के अंदर अब आपको मिल जाते हैं। बात करें इसके गियर लीवर के बारे में, जो कि आपको मेटल का गियर लीवर कुछ इस तरीके का इस बाइक के अंदर क्रोम कलर की फिनिशिंग के साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है गाइस, एक तरीके का, वैसे एक बार ये टूट गया ना तो दोबारा जुड़ेगा नहीं, कहीं आप सोच रहे हो भाई कि दोबारा इसको मोड़ के सीधा कर लोगे। और साथ ही बात करते हैं इसके राइट पैनल के बारे में, जहाँ पर आपको स्पीड 400 की बैजिंग आपको मिलने वाली है। पैनल जो है वो आपको ब्लैक कलर का इस बाइक के अंदर कुछ इस तरीके का दिया गया है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं इसके काफ वेट के बारे में, जो कि आपको 176 kg का काफ वेट इस बाइक के अंदर अब आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, जो कि आपको येलो, व्हाइट एंड
ग्रे कलर के टोन के साथ, कलर टोन के साथ आपको ये फ्यूल टैंक मिलने वाला है, जहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में ट्रैम्प की बाजिंग आपको ब्लैक कलर की कुछ इस तरीके की इस बाइक के ऊपर मिल जाती है। जो इसका फ्यूल टैंक है वो आपको 30 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, 2.5 लीटर इस पर रिजर्व रहता है पेट्रोल, और जो E20 की नॉमिंग भी आपको मिल जाती है। फ्यूल कैप आपको क्रोम कलर की कुछ इस तरीके की बाइक में मिलने वाली है, और इसमें आपको लैग गार्ड भी मेटल के कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, और साथ ही बात करते हैं इसमें राइट हैंडलिंग के बारे में, जहाँ पर आप देख सकते हो किल स्विच आपको मिलने वाला है, हैजार्ड लाइट का फीचर्स आपको स्विच रेड कलर का मिल जाता है, सेल्फ का स्विच आपको ब्लैक कलर का इस बाइक के अंदर मिल जाता है, और राइड बाय वायर एक्सीलेटर इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंडलिंग के बारे में, जहाँ पर आपको आई बटन का स्विच मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट, और जिससे आप अपना इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर सकते हो, और आपको हेडलाइट के ग्रे स्विच, इंडिकेटर के ब्लैक स्विच, आपको ब्लैक कलर का ही अपना हॉर्न का स्विच इस बाइक के अंदर मिलने वाला है, और जो उसके मिरर है वो आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके का, काफी स्टाइलिश बैक विजन के लिए मिरर इस बाइक के अंदर अब आपको मिल जाते हैं। बात करें इसकी की के बारे में, तो यहाँ पर आपको ड्यूल की इस बाइक के अंदर ट्रैम की बैजिंग के साथ कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है। ठीक है गाइस, जो कि कंप्यूटर की कह सकते हो आप एक हिसाब से। इग्निशन की का फीचर जो कि आपको हैंडलिंग के पास ही देखने को मिल जाता है, और जो उसकी हैंडलिंग है वो भी काफी बढ़िया आपको ट्रैम की बैजिंग के साथ आपको मिलने वाली है। ठीक है गाइस, और सिल्वर कलर की। और बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, जो कि आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरीके का इस बाइक के अंदर आपको दिया गया है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर सब कुछ आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो न्यूट्रल लाइट आपको देखने को मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ड्यूल चैनल ABS का साइन भी आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। ठीक है गाइस, और साथ ही इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर्स आपको मिल जाता है, जो कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपको इस बाइक के अंदर दिखा देगा। सो गाइस, बात करें इसकी टॉप स्पीड के बारे में, जो कि आपको 155 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसकी जाती है, बाकी राइडर पे डिपेंड है वो कैसे चलाता है कैसे नहीं। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो जो उसका एक्स शोरूम प्राइस है वो इंडिया के अंदर 2,40,000 रुपीज रखा गया है। साथ ही बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, जो कि दिल्ली के अंदर आपको 2,81,622 रुपीज आपको एक्स शोरूम दिल्ली के अंदर ये बाइक मिल जाएगी। ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी ट्रैम की स्पीड 400 2024 मॉडल के ऊपर। होप सो गाइस आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, स्कूटर, स्कूटी के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।